रुक करते बड़ी खबर का। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने सातवीं लिस्ट जारी कर दी है। सातवीं लिस्ट में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की 4 और तमिलनाडु की 1 सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस ने तमिलनाडु के मयिलादुथुरई से 8 सुधा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं पार्टी ने छत्तीसगढ़ की सरगुना सीट से शशि सिंह को मैदान में उतारा है। रायगढ़ से मेनका देवी से, बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव और कांकेर से बीरेश ठाकुर को टिकट दिया गया है। तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की सातवीं लिस्ट सामने आई है। यह हम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। सातवीं लिस्ट में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की 4 और तमिलनाडु की 1 सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस ने तमिलनाडु की मयिलादुथुरई से आर सुधा को उम्मीदवार बनाया। वहीं पार्टी ने छत्तीसगढ़ की सरगुजा सीट से शशि सिंह, रायगढ़ से मेनका देवी सिंह, बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव और कांकेर से बीरेश ठाकुर को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस की ओर से ये सातवीं लिस्ट जारी कर दी गई। लगातार नामों को लेकर गौर खोज किया जा रहा है। लोकसभा में किसे मैदान में उतारना है, किसका टिकट इस बार काटना है, क्योंकि कांग्रेस पूरे मुल्क में अपनी खोई हुई जड़ें तलाश रही है। इसी वजह से हर उम्मीदवार पर लगातार गौर खोज किया जा रहा है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड अब तक का चेक किया गया, जमीनी सतह पर कितनी पकड़ उस उम्मीदवार की है उसकी छानबीन करने के बाद फाइनल मुहर लगाती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। इसी वजह से कांग्रेस की ओर से कहा गया कि ये पूरी जांच करने में, ये पूरे फैसले लेने में ज्यादा वक्त गुजर रहा है, लेकिन उम्मीदवारों के साथ किसी तरह की कोताही बरती ना जाए, इसी बात का खास ख्याल रखा जा रहा है और सबसे मजबूत उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा जाए ताकि एनडीए का मुकाबला किया जा सके। और अब कांग्रेस ने गहन करने के बाद, चर्चा करने के बाद सातवीं लिस्ट जारी की है। सातवीं लिस्ट में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की 4 और तमिलनाडु की 1 सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस ने तमिलनाडु की मयिलादुथुरई से आर सुधा को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं पार्टी ने छत्तीसगढ़ की सरगुजा सीट से शशि सिंह, रायगढ़ से मेनका देवी सिंह, बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव और कांकेर से बीरेंद्र ठाकुर को उम्मीदवार बनाया। तो कांग्रेस की लिस्ट में ये नाम शामिल। आपको बता दें कि कांग्रेस की ये सातवीं लिस्ट है और आगे भी जो तमाम सीटें हैं उसको लेकर गौर खोज किया जा रहा है। यह हम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने सातवीं लिस्ट जारी कर दी है। सातवीं लिस्ट में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की 4 और तमिलनाडु की 1 सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस ने तमिलनाडु की मयिलादुथुरई से आर सुधा को उम्मीदवार बनाया। वहीं पार्टी ने छत्तीसगढ़ की सरगुजा सीट से शशि सिंह, रायगढ़ से मेनका सिंह और बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव और कांकेर से बीरेश ठाकुर को टिकट दिया है। कांग्रेस की ये सातवीं लिस्ट आज जारी हुई है। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार जमीनी सतह पर काम करने का दावा कर रही है। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि जमीनी सतह पर पार्टी को मजबूत करना है और ऐसे ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा जिनकी जमीनी सतह पर पकड़ मजबूत होगी। इसी वजह से तमाम सर्वेस कांग्रेस की ओर से कराए जा रहे हैं ताकि हर उम्मीदवार के बारे में जानकारी जुटाई जा सके कि किसकी कितनी मकबूलियत है, आवाम को कौन सा उम्मीदवार कितना रागब करने की सलाहियत रखता है। ऐसे में कई नए चेहरों को भी जगह दी जा रही है और कई पुराने एमपी का टिकट कटता हुआ भी नजर आ रहा है।